If atmospheric pressure 10 की पावर 5 पास्कल, then find pressure inside a soap bubble having radius 4 सेंटीमीटर and surface tension 0.02 न्यूटन पर मीटर. आपको एक क्या दे रखा है, आपको सोप बबल दे रखा है, बाहर का प्रेशर आपको दे रखा है कितना, 10 की पावर 5 पास्कल. तो अंदर का ये P1 माइनस P2 जो है वो कितना गया, P1 माइनस P2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4s बाय r के. और P2 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 10 की पावर 5 पास्कल. तो यहाँ से P1 माइनस 10 की पावर 5 इक्वल टू 4s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02 डिवाइड बाय में आर की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. 4 से 4 कैंसिल, तो आ जाएगा P1, यानी कि इसको P1 माइनस 10 की पावर 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के. तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 10 की पावर 5, डी ऑप्शन आएगा. देखो अंदर का प्रेशर पूछा है कि कितना है, बाहर का प्रेशर दे रखा है 10 की पावर 5 पास्कल. इसके तो बी डी आएगा, ये इसका तो यही आएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू 4s बाय r. s की वैल्यू आपको दे रखी है 0.02 और r की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगी. आपको P2 की वैल्यू पता है 10 की पावर 5, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 10 की पावर 5 पास्कल. तो ये तो सही है, इसमें चाहे बी दे रखा हो आपको चाहे डी दे रखा हो, आंसर तो यही है इसका. ठीक है,